ऐसा मौसम देख के दिल्ली एनसीआर में तो आपको समझ जाओ कि पहाड़ों में क्या ही बारिश हो रही होगी इस वक्त। एक और छिपकली, कल से 3 छिपकलियाँ फेंक चुके हैं बाहर। अगला वीकेंड का जरूर प्लान करेंगे, वी आर ट्राइंग टू गो आउट। मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया, तू अंदर थी। मैंने कहा चुड़ैल की तरह भूत गायब ही हो गई। मैंने छत भी देखी, छत पे तो थी नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। मतलब कल घर में कुछ किया ही नहीं यार, कल बैठे रहे, पड़े रहे, खाते रहे, पीते रहे, यही करते रहे। और हाँ, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, कल्पना को अपने घर जाना पड़ा कुछ अर्जेंट काम था, तो शील भी वो 8 बजे निकल गई थी। शील भी बैक बाय 1 और 2, तब तक पोहा खाते हैं। खाना पूरा बन के रेडी हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है ना, मगर ये मैंने बनाया नहीं है। तो कुक ने सुबह फ़ोन किया कि बारिश हो रही, मैं नहीं आ रही। मैंने कहा लंका लग गई, फिर वो चली गई थी, पर बाद में कुक आ गई तो बना के चली गई, तो खाना तो बच गया। अदरवाइज मैगी बनानी पड़ती मुझे, बट फटाफट पहले इसको खाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। और अभी बचते हैं 11:30, नहीं 10:30 बजे थे आप, 10:30। तो ज़रा फटाफट मैं पहले खाना खाता हूँ, तो भाई भूख के मारे जान निकल रही है। ओह शिट, यहाँ देखिए कितनी तेज उड़ रहे हैं बादल भाई, वो भी बारिश बड़ी कैड़ी। दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। कल्पना से बात हुई अभी, शी विल बी कमिंग बाय 2 or 2:30, बट बारिश हिसाब से हो रही ना, मुझे दिक्कत ही लग रही टैक्सी मिलने की। ओह क्या हवा चल रही है भाई, अगर इस वक्त पहाड़ वहाड़ पे होते ना अलग ही फीलिंग होती। लेकिन हर जगह बारिश हो रही है, हर जगह, गोवा, थाईलैंड, वाइलैंड। मैंने पहले बताया हुआ है कि हम लोग बाहर का भी सोच रहे थे, लेकिन वहाँ भी पूरी बारिश हो रही है। तो गोवा, केरला, इंडिया में ही पौंडीचेरी, पुणे, सबका सोचा था वहाँ भी बारिश हो रही है। पहाड़ों में तो यू नो ऐसा मौसम देखे दिल्ली एनसीआर में तो आपको समझ जाओ कि पहाड़ों में क्या ही बारिश हो रही होगी इस वक्त। मैंने ध्यान नहीं दिया बारिश भी होगी, थोड़ा फोन देख गया। लुक एट दिस, मैंने अभी देखा नहीं कैसा आया ये टाइम लैप्स, पर सोचा था बादल अच्छे मूव कर रहे थे तो सोचा टाइम से अच्छा आएगा, लेकिन बारिश हो गया। एक और छिपकली, कल से 3 छिपकलियाँ फेंक चुके हैं बाहर, मरी नहीं है, बेहोश हो गई है। पता नहीं कहाँ से एकदम से मतलब 5-6 छिपकलियाँ, छोटे छोटे बच्चे, बट भाई बड़ा डेंजरस हो गया। 4 छिपकलियाँ देखी हैं उसे किचन में भी, जो बहुत डेंजरस होता है अगर खाने में, अगर है ना मुंह मारते हैं ऑल दैट, तो पता नहीं क्या हो जाए। जहर वहर बोलते छिपकली में जहर होता है, बड़ा डिफिकल्ट है यार ऐसे तो मैनेज करना। और आपको दिखाता हूँ, अभी बारिश बंद हुई है और बाहर का मौसम, मैंने कैमरे उतार दिया बिकॉज इसमें काफ़ी धूल मिट्टी जम जाती है। ये देखिए, लुक एट दिस, इतना प्यारा लग रहा है यार, इतना क्लीन, वाव। और ये फ़ोन से स्टिल इतना क्लियर नहीं दिखता जितना ये नेकेड आई से दिखता है, मतलब आँखों से दिख रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है, बस अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कल्पना ही पहुँचने वाली है, शी सेड कि 5 मिनट पहुँचेगी। देन उसका बड़ा मन था बारिश में नहाने का, फिर बड़ा करती है इस चीज़ें, बट बारिश बंद हो गई। अब बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता मैं अनलेस एंड टिल बारिश फिर से हो, बट मौसम ऊपर आसमान तो काफ़ी क्लियर हो गया था, बस नेवर नो। तो मैंने उसको बोला कि बाहर चलते हैं, कैफे वैसे चलते हैं, किसी यार बहुत दिन हो गए बैठे बैठे हो भी हुए, तो ट्राई करते ज़रा, पहले थोड़ा सा जो तो वो आती है मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। मुँह भी छुपा रही तो पहले बताऊँ, सिनेमेटिक बड़ी अच्छी आती है वीडियो यार। ये हमारा स्टोर रूम, और जो प्रॉपर स्टोर कहला सकता है उसको मैं अपना स्टडी रूम बनाने वाला था एक टाइम पे। ये सिनेमेटिक मोड है बहुत सही है यार, इसका डिफरेंस देखो और नॉर्मल वीडियो जब पूरी आपने देखी है अब तक, बहुत ही अच्छा। बहुत अंधेरा है तब भी इतना अच्छा लाइट दे रहा है ये। इससे बाहर का शूट कर दिखाते हैं एक बार, बहुत सही है, नाइस। सो मैडम की बारिश हो गई खत्म, तो अब ये नहा नहीं पाएंगे बारिश में। हेलो,
कहाँ गए थे? चुड़ैल है, कहाँ भी हो गए भाई, ये सब उतनी तो ना हुई उसकी जगह। लाइट चला दे, पता लगा ऊपर भी नीचे पकड़ दी। अभी तो बात कर रहे थे मुझसे भाई, पैर वैर चेक करने पड़ेंगे मुझे इसके। बाहर तो नहीं गई मैंने तेरे पूरे घर में ढूंढ लिया, तू अंदर थी मुझे तो अंदर गई है। मैं तेरे पीछे कैमरा लेके आया कि भाई तू बारिश तो हो नहीं रही है और तू पूरे में दिखी नहीं मुझे। मैंने कहा तू चुड़ैल की तरह भूत गायब भी हो गई। मैंने छत भी देखी, छत पे तो थी नहीं। पैर दिखाई उसने सीधे ही है। चल तो हो जा रेडी पहले। तो जो भी लोग वेट करते हैं अपनी बीवी को पैर चेक कर लीजिएगा जब वो घर में घुसे, कल तुम्हें पता होगी कौन आ रहा है घर में। यही एक तरीका पता करने का, मतलब यूजली पैर सीधे ही होते हैं उनके। लेकिन सुबह एक बढ़िया सा लंच, पनीर भुर्जी विद फ्राइड राइस एंड मल्टीग्रेन रोटी। मगर इस बार मुझे लग नहीं रहा यार, पिछली बार ना अच्छा था, इस बार बहुत कम था। सोलंकी फीडबैक दे, आटा ज़्यादा इस बार। और हमने दिखाना स्टार्ट किया है क्या है सीरियल नाम, अधूरा। मैंने देखना स्टार्ट किया अधूरा, पहला सीन तो अच्छा था बट देखते हैं। बट मुझे लगा कि मूवी हो गया है तो सीरियल साला टाइम ही नहीं है, चलो आज ख़त्म कर देते हैं। 7 बज रहे हैं और लोग चाय पी रहे हैं। कल्पना अभी सो रही है, मतलब पता नहीं आके थकान से हुई थी उसको, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बाहर गई हुई थी कहीं पर किसी काम इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो मैंने तो सो नहीं दिया। यूजली हम लोग अवॉइड करते हैं सोना दोपहर के टाइम, बिकॉज फिर रात को बड़ी नींद ही नहीं आ रही, दिक्कत होती है। पर उसको उठाने के लिए चाय बनानी पड़ रही है। पता नहीं समझ नहीं आ रहा उसका, चाय बन नहीं रही अच्छी से भाई। गैस भी ख़त्म हो रही लग रहा है मुझे, जो पीली होती है ना ख़त्म हो जाती है आई गेस। तो काफ़ी टाइम से गैस यूज़ नहीं की थी हमने, यहाँ पे आके यूज़ कर रहे हैं। पिछले वाले जो रेंटेड अपार्टमेंट था और उससे पहले जो हमारा मेरा वाला फ्लैट था नोएडा वाला, वहाँ पे गैस पाइपलाइन है। तो वी थॉट कि मतलब अपना अंदाज़ा चला गया है, बट ये येलो हो रहा है तो मतलब मुझे ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है कुछ ना कुछ। देखिए मैडम हो गया रेडी, टाइम हो रहा है 8। कल पहला सोमवार है इन श्रावण, इस श्रावण मास का। सो सावन के हम दोनों फास्ट रख रहे हैं मंडे के, तो कल से दो स्टार्ट हो जाएंगे अगले 8 हफ्तों के लिए। तो उसके लिए कल की पूजा की तैयारी भी करनी है हमें, तो उस चक्कर में हमें जाना पड़ रहा है बाहर। कुछ फूल माला बेल पत्थर देख के आते हैं जो पूजा की सामग्री भी यूज़ होती है भगवान शिव की पूजा के लिए। और हम लोग लेके जा रहे हैं साथ में अपना बैडमिंटन, क्योंकि आज है प्लान बैडमिंटन खेलने का बहुत दिनों बाद। बास्केटबॉल ले जाने, बास्केटबॉल ले चलेगा कपड़ा अच्छा हट लेंगे तो तू तो आधे पौन घंटे में आएंगे हम लोग। भाई लोग हम लोग निकल गए हैं बाहर कुछ शॉपिंग के लिए, कल की शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल है जैसे मैंने बताया कल है पहला मंडे इस सावन का। सावन हम लोग बोलते हैं बट एक्चुअली में इसको बोलते हैं श्रावण मास। भाई हमें मिल गई एक बहुत प्यारी सी शॉप, ये भाई साहब कर देंगे सुबह डिलीवर। फूल ना बहुत छोटे छोटे लग रहे थे मुझे, हाँ तो बट सोचो आज आज थार पे लाइट लगा के बढ़िया थी। हाँ नहीं भैया बुलेरो है, ये तो अलग है भाई। बुलेरो का तो मर्सिडीज से तो मॉडल तक रहा है ना, अच्छा बना रखा है। जो गाड़ी दिख रहा है साइड में ये जी वैगन नहीं है, ये है थार, थार नहीं बुलेरो, सॉरी बुलेरो। भाई क्या लग रही है,
पर अच्छी बना रखी है इसने, अलॉय वगैरह लगा आगे से भी देखो ग्रिल, ओ ना उसने मर्सिडीज की लगा रखी है साइड आगे ग्रिल। मर्सिडीज ही मजा आ रही है मुझे, हो सकता है मर्सिडीज ही, उसने पीछे बुलेरो का वो लगा रखा है टायर का कवर। तो गाड़ी हमारे पीछे ही है भाई साहब, मतलब समझ नहीं आया मुझे, पहले मैंने लगा बुलेरो है क्योंकि उसने पीछे जो स्टेपनी होती है उसका कवर लगा रखा है बुलेरो वाला, राइट। और ऑल इन ऑल मर्सिडीज जी जी वैगन है यार, 3.5 करोड़ की गाड़ी है, पीछे बुलेरो वाला उसने स्टेपनी कवर लगा रखा है। देखे तो हम लोग पहुंच गए अपना बैडमिंटन कोर्ट, जरा थोड़ी देर खेल के आते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से वापस।